अगर आपको कोविड के दौरान भी एयर पे सफर करना पड़ रहा है तो घर से थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा। बोर्डिंग पास से पहले आपको वेब चेकिंग करना अनिवार्य है। इसके लिए कोलकाता एयरपोर्ट का 3C गेट पर एंट्री होना पड़ेगा। इसके लिए कोई जो चेकिंग नहीं है, आप आराम से अंदर जा सकते हैं। आप अपने टिकट दिखाकर वेब चेकिंग का मदद ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप खुद मोबाइल पे करना चाहते हैं तो इस तरह कीजिएगा। आपका वेब चेकिंग हो जाने के बाद आप बोर्डिंग पास के लिए बोर्डिंग पास लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा और आपका बोर्डिंग पास निकल जाने के लिए। अभी आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग पास मिलने के बाद अब गेट के बाहर जाना पड़ेगा और एंट्री वाला गेट पर लाइन लगाकर सैनिटाइज होकर अंदर जाना पड़ेगा। फिर आपको सिक्योरिटी चेकिंग में लंबा लाइन लगना पड़ेगा। फिलहाल कोविड के चलते ज्यादा भीड़ हो रहा है, इसलिए पहले ही आपको आना पड़ेगा। सिक्योरिटी चेकिंग 2 घंटे से पहले ही हो रहा है। हमको सिलचर जाना था 11:50 पे, फिर भी हमको 9 बजे ही आना। फिर आइए चलते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कोविड टेस्ट करने के बाद ही आपको आगे जाने देंगे। वहां का सिविल प्रशासन वहां पे टेस्ट के लिए ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। टेस्ट के बिना आपको आगे जाने नहीं देंगे। वहां पे आपको लगभग 2.5 से 3 घंटा लग सकता है। आशा करता हूं कि कोलकाता से सिलचर आने वाले यात्रियों को कुछ इस वीडियो को देखकर मदद मिल जाए। और वॉइस क्रिएट करके पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, अगर कुछ गलती है तो एडजस्ट कर लेना। थैंक यू।